गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत करता हूं मैं अपने इस नए ब्लॉग में। तो चलिए आज की वीडियो कुछ ऐसी लोकेशन से शुरू कर रहा हूं। तो चलिए, स्टेप तो देख लो, बहुत ही सांस बोल रही है। तो लेकिन हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी सुबह सुबह। लेकिन ये पौड़ियाँ वो ऊपर तक जा रही हैं और मैं उसको चढ़ते जा रहा हूँ, लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो सांस एकदम फूल गई है। तो आपको दिखाने वाला हूँ, तो उसके लिए यही रास्ता जाता है। एक दूसरी तरफ से भी है, लेकिन ये वाला मेरे को ठीक लगा। ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है और रास्ता भी ठीक है, तो यही वाला रास्ता लिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे से। लो जी, सनराइज भी हो गया है। और ये तो फाइनली जहाँ से जाता है ये आगे तक की तरफ जा रहा है, तो ये वाला रास्ता मेरे घर की तरफ जाता है। और हमें जाना है अब यहाँ से ऊपर, और सीढ़ियाँ हैं ऊपर, जैसे पीछे दिखाई आपको मैंने। अब खड़ी चढ़ाई करनी है हमने यहाँ से ऊपर की तरफ। अभी अखरोट लगने वाले हैं कुछ दिनों में। ये वाले पेड़ छोटे छोटे हैं अभी। ये सामने कुछ बाग की है किसी का। तो हमें थोड़ी देर में हमारे छोटा भाई भी ज्वाइन करने वाला है, इसका नाम अमन है। तो वीडियो में बने रहें, तो मिलाते हैं आपको भी उसके साथ थोड़ी देर में। वो ऊपर वाले घर से आ रहा है, तो थोड़ी ऊपर की तरफ ज्वाइन होता है रास्ता, तो वहाँ पर मिल जाएगा हमें वो। कल शाम को बोला कि तू भी चलना मेरे साथ, तो बोलने लगा कि हाँ चलते हैं, सुबह कॉल कर लेना। तो मैंने को फ़ोन कर दिया है, तो थोड़ी देर में वो भी मिल जाएगा हमें ऊपरी रास्ते में, जहाँ पर मैं आज आपको लेकर जा रहा हूँ। वो आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है,
जो मेरे गांव से वीडियो देखते हैं उनको तो पता है कि जहां पर मैं जो लोकेशन आपको दिखाऊंगा वो तो उनको पता है, लेकिन कुछ लोग मेरे गांव से नहीं भी हैं तो उनके लिए सरप्राइज़ है थोड़ा सा छोटा सा। तो बने रहे वीडियो में तो वो सरप्राइज़ भी रिवील हो जाएगा थोड़ी देर में। फाइनली कुछ ऐसी लोकेशन पे पहुंच चुका हूं मैं, तो अमन जी भी हमारे साथ पहुंच गए हैं, तो ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो अभी हम कुछ ऐसे प्यारे से व्यू के साथ पहुंच गए हैं, तो सामने जो व्यू देख पा रहे हैं तो ये मेरा गांव है। तो अभी हम खड़ी चढ़ाई कर ही रहे हैं, तो अभी बहुत दूर ऊपर जाना है हमें, तो वीडियो में रहें। तो चलिए शुरू करते हैं जहाँ से आगे की वीडियो। जो जिन लोगों के दो दो घर होते हैं वहाँ पर, जो ऐसे गर्मियों के दिनों के लिए ऐसे घर होते हैं और सर्दियों के दिनों के लिए वो उधर नीचे वाली साइड जहाँ बर्फ वगैरह कम पड़ती है वहाँ पर चले जाते हैं। अभी आ जाएंगे कुछ दिनों में इन घरों में। आप देख पा रहे होंगे कि इन घरों में कोई भी नहीं रहता, लेकिन इस टाइम आप सही सोच रहे होंगे कि इस टाइम कोई भी नहीं रहता, लेकिन कुछ ही दिनों में आ जाएंगे इन घरों में रहने के लिए लोग। ये जो आप देख पा रहे हैं बहुत ही गहरी खाई है। मैंने सुना कि पुराने लोग हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि इधर दिन में चीते शेर वगैरह रहते हैं, तो हमें मिल सकता है, लेकिन भगवान करे कि हमें ना ही मिले सुबह सुबह, नहीं तो ये वीडियो आप नहीं देख पा रहे होंगे। यहाँ से बहुत ही गहरी है यार, उधर से कम थी लेकिन यहाँ से बहुत ही गहरी है। जो आप फूल देख रहे हैं जहाँ पर हमारे तो मदाल बोलते हैं, लेकिन और कहीं पे कुछ और भी बोल सकते हैं। तो फाइनली वो वाला लोकेशन रिवील होने वाला है थोड़ी देर में, जो मैंने आपको वीडियो में बोला था कि कुछ ऐसी लोकेशन पे हम जा रहे हैं, तो थोड़ी देर में वो वाली लोकेशन रिवील हो जाएगी, तो वीडियो में बने रहें। फाइनली उस लोकेशन पे पहुंच गए हैं, तो सरप्राइज़ भी रिवील हो गया। तो अमन जी पहले पहुंच गए हैं मेरे से। तो जहां पर हम बोल रहे थे कि आपको जाना है हमने, तो इस लोकेशन का नाम है कट्टल, जहां पर कट्टल माता का दरबार है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं वहाँ उनके दरबार में। एंट्री जहाँ से ही शुरू होती है, तो यहाँ से कुछ व्यू ऐसा है, बहुत ही खूबसूरत है। सुबह सुबह दो पहाड़ों पे मस्त शाइन दे रही है, तो पीछे का व्यू ऐसा है। तो अमन जी हमारे साथ आ गए हैं, तो चलिए अमन जी चलते हैं। गर्मियों के दिनों के लिए पानी स्टोर करने के लिए तालाब का निर्माण हो रहा है मोदी जी की कृपा से। मोदी जी भी काम करवा रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मोदी जी बहुत ही घटिया लीडर है, लेकिन वो ठीक हैं अपनी जगह। कमेंट में बताना कि कैसी लगी आपको ये वाली लोकेशन। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब
कर देना। तो कुछ ऐसा दरबार है जो आप देख पा रहे हैं, तो यही है माता कट्टल जिनका नाम है। तो जो मेरे बैक में आप देख पा रहे हैं वो मोंकरी से ऊपर वाला रोड जो लड्डा साइड जाता है वो वाला है। तो सुबह सुबह अभी आप जस्टिस कर नहीं पा रहे हैं कि हवा कितनी ठंडी ठंडी चल रही है, धूप भी लगी है, लेकिन हवा एकदम मस्त है सुबह सुबह। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, हमारे अलावा और भी लोग जहाँ पर आए हुए हैं। तो फाइनली हम वापस घर की तरफ आ रहे हैं। अभी हम दूसरे रास्ते से वापस घर जा रहे हैं, तो दिखाया था पहले उस साइड से आए थे, अभी हम इस साइड से जाएंगे। ये वाली भी रास्ता रिवील कर दे देता हूँ, हमारे गांव से वीडियो देखता है जो, तो उसको तो पता है जी कि ये रास्ता कहाँ से कौन सा है। लेकिन कुछ लोग जो मेरी वीडियो जहाँ से मेरे गांव से नहीं देखते, तो उनको पता रहना चाहिए ना कि ये रास्ता ऐसे रास्ता जाता है वहाँ पर। तो यहाँ से गहरी खाई है नीचे, बहुत ही खैर गहरी है। अभी हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं घर की तरफ, तो वीडियो भी कम ही बना रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी क्लिप देख लेना। ये हैं लोगों के गर्मियों के दिनों के लिए घर, जहाँ पर आकर मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं दिनों में। और हमारे उधर जहाँ हमारे नीचे वाली साइड घर हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।